वैसे एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अफगानिस्तान दुनिया का पहला देश होगा जहां एक घोषित आतंकवादी संगठन सरकार बनाएगा। इस नई भूमिका में खुद को ढालने के लिए तालिबान के आतंकवादी कभी से नेता बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं जब से अमेरिका ने वापस जाने का ऐलान किया था। आप पिछले एक महीने के बयान उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बंदूकें चमकाने वाले तालिबान को नेतागिरी चमकाने का कितना बड़ा चस्का लग चुका है। और अब तो तालिबान के सामने कोई विपक्षी दल भी नहीं है जो उसके खिलाफ खड़ा हो, इसीलिए उसका शिकार बनेंगी अफगानी महिलाएं, जिनको लेकर तालिबान बड़े बड़े दावे कर रहा है। वो लगातार अपनी सरकार में महिलाओं को उचित स्थान देने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीन पर उसके दावे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित नजर आ रहे हैं। काबुल में तालिबान की आगामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, खासकर महिलाएं तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरी, क्योंकि तालिबान चाहे जितने मर्जी दावे कर ले, लेकिन फितरत से तो वो आतंकवादी संगठन ही है। अब उसके जुल्मों के खिलाफ अफगान महिलाओं के पास खटखटाने के लिए कोई दरवाजा भी नहीं होगा।